के स्टूडेंट्स, सितंबर में आपके फर्स्ट रिटर्न टेस्ट होंगे 11 सितंबर से, जिसमें 9th क्लास में पहली और दूसरी प्रश्नावली सिलेबस रहेगा आपका। इस पहली और दूसरी प्रश्नावली को आप अच्छी तरह से याद करें, सवाल निकालें, जो भी समस्याएं हमसे संपर्क करें। टेस्ट सभी बच्चों को देना अनिवार्य है। अब उसके बाद में हम 13.1 प्रश्नावली पढ़ रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसका पहला सवाल हो गया था। दूसरा सवाल देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो कमरा घनाभ के आकार का है। यहाँ पे लिखोगे घनाभाकार, कमरे की लंबाई बराबर 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर तथा कमरे की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ये हमें इसके तीनों नाप दिए हुए हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आगे देखिए, 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों पर और छत पर सफेदी करवाने का वेग ज्ञात कीजिए। केवल नीचे आंगन है उसको छोड़ा गया है और बाकी सब पर पेंट करवाना है, तो इसकी चारों दीवारों और छत पर सफेदी करवाने का वेग, तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसलिए आंगन को छोड़कर कमरे के शेष दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की शेष दीवारों का क्षेत्रफल, यानी आपको यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें आपका आंगन भी शामिल है, छत भी शामिल है, यानी संपूर्ण हो गया। लेकिन हमें आंगन पर नहीं करवाना है, तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई, ये माइनस कर दो, क्योंकि आंगन का क्षेत्र घनाभाकार, कमरे के जो आंगन या छत होता है वो आयताकार होता है और आयत का क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद में यहाँ सूत्र में डालेंगे 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5 × 4 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 4 × 3 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो 3 × 5, ये संपूर्ण पृष्ठीय, माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 5 × 4। उसके बाद में यहाँ से हम गुणा करेंगे इनको, पहले इन दोनों को गुणा किया तो 20 है, प्लस इन दोनों को गुणा किया तो 12 है, प्लस 15 और माइनस के 20। यहाँ से हम हल करेंगे तो 2 × इन ब्रैकेट के अंदर जो भी है उनको जोड़ लेते हैं, 47 और माइनस के 20 बाद में होंगे, पहले इनको गुणा करवाना है, तो ये हो गया 7 × 14, 4 × 8 = 94 माइनस 20 यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। हमारे पास आंगन को छोड़कर कमरे की जो शेष दीवारें बचती है जिसमें छत भी शामिल है उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पर सफेदी करवाने का वे देखिए क्या देखे, 7.50 रुपये, यानी कि 7 पॉइंट, यहाँ देखिए 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का वे बराबर आप 7.50 को गुणा कर देंगे 74 मीटर स्क्वायर से, 74। इन दोनों को गुणा कीजिए और गुणा करने पर हमारे पास आएगा 555.5
इज द राइट आंसर, यानी कि उसकी चारों दीवारों और छत पर यदि हम पेंट करवाएंगे या सफेदी करवाएंगे तो 555 रुपए खर्च होंगे। इस तरह से ये दूसरा सवाल। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में हमारे पास है किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यहाँ पे होल के फर्श का परिमाप दिया गया, जो आंगन है उसका परिमाप दिया गया है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात करनी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें जो सूचनाएं दी गई है उनको आप ऊपर लिख लें। तीसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। सबसे पहले आयताकार फर्श का परिमाप बराबर दीर्घ है 250 मीटर। उसके बाद में 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चार दीवार पेंट करवाने का वे या लागत है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करवाने का वे बराबर दिया है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये ये उस कमरे की चारों दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, यहाँ पे आप चारों दीवारों पर ये लिख लेना, चारों दीवारों पर पेंट करवाने का। इसलिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसकी सहायता से। कुल वे बट्टा यहाँ पे दर हो जाएगी, पेंट की दर है, पेंट की दर हमारे पास 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कुल वे 15,000 है बट्टा 10, यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर उस कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप सवाल की शर्त में ले लो इसको, हमें ऊंचाई पूछा जा रहा है, सवाल की शर्त के अनुसार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 है। इसका सूत्र होता है, मैंने आपको 200 तो लिखा है इसमें, एक सूत्र तो लिखा था 2 × ऊंचाई × लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरा सूत्र मैंने ये क्यों लिखा था, परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये बन रही है, परिमाप भी आ गया और ऊंचाई भी आ गई है, परिमाप और ऊंचाई ये दोनों पूछ रहा है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये लगा दीजिए सूत्र। तो यहाँ पे आप लिखोगे परिमाप × ऊंचाई, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। परिमाप यहाँ पे हमें दे रखा है 250 मीटर गुणा ऊंचाई, यहाँ पे एच ले लेंगे हम 1500, इसलिए एच बराबर 1500 बट्टा 250 और ये आ जाएगा 6 मीटर। उस कमरे की ऊंचाई होगी 6 मीटर, इसलिए कमरे की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में हमारे पास चौथा सवाल है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। डिब्बे में कोई पेंट भरा हुआ है, यदि हम उस डिब्बे से पेंट करते हैं तो वो 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर
इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाऊं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो इसमें क्या करना है आपको, उस ईंट का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, ईंट का भी निकाल लेना है और डिब्बे से जो पेंट हो रहा है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके बाद डिब्बे में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें उसका भाग दे देंगे। देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले डिब्बे में, सवाल नंबर 4 है, डिब्बे में पेंट से होने वाला क्षेत्रफल, उसके बाद में एक ईंट की विमाएं, यहां इसकी माप दी गई है, ईंट की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, तो वो दे रखी है हमें 22.5 सेंटीमीटर कोमा 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए इसको पेंट करवाया जा रहा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 22.5 × 10 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 10 × 7.5 प्लस 7.5 × 22.5 इनको गुना करेंगे हम। तो सबसे पहले इनको गुणा किया तो 225 प्लस 75 प्लस 22.5 और 7.5 को हम गुणा करते हैं तो 168.75। उसके बाद में इनको हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट से अंदर जो भी है उनको प्लस करेंगे, 2 × 468.75 और इनको आप गुणा करोगे 5 × 10 7 × 14 15 8 × 16 1 7 6 × 12 1 13 4 × 8 9 और ये 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो डिब्बे में जो पेंट हो रहा था, डिब्बे में जो पेंट है उसकी, उससे हम 9.375 मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, यहां देखिए, इसलिए ईंटों की संख्या बराबर डिब्बे में पेंट का पर्याप्त क्षेत्रफल बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल। डिब्बे में हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर था बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो यदि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा होगा, लेकिन मीटर स्क्वायर को सेमी स्क्वायर में यदि चेंज करना है तो वो 2 × 100 × 100 हो जाएगा। तो 9.375 है, इसको आप 100 × 100 से गुणा करवा दोगे बट्टा यहाँ पे 937.5 है। उसके बाद में देखिए यहाँ से क्या हल होता है, इनको गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 शून्य है, 100 × 100 4 शून्य होगी ना, तो ये 0.4 इधर आ जाएगा, तो ये 93,750 आएगा बट्टा यहाँ पे 937.5 है ही, 937
0.5, इसका पॉइंट हम हटा देंगे, 100 में और लग जाएगा, और इसका भाग देंगे तो हमारे पास ये आएगा 100, 100 इंटू पर पेंट हो जाएगा 100, 100 इंच लिखेंगे आप या इंच, ये आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, यानी कि 100 इंटू पर उस डिब्बे में जो पेंट है उससे पेंट हो जाएगा संपूर्ण ईंट पर, तभी हमने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। आराम से इसको उतार लें, उसके बाद में अगला देखते हैं। सवाल नंबर 5वां देखिए, पांचवा सवाल हमारे पास है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा उसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये आप लोग स्वयं करेंगे, देखो मैं समझा देता हूँ कैसे करें। एक घनाकार बॉक्स है तो घनाकार डिब्बे की भुजा की लंबाई आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में घनाभाकार दिया है की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों हमें दे दिए 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे दिए। ये हमें सूचना दी गई है, घनाकार और घनाभाकार दो अलग अलग डिब्बे हैं, दोनों की नाप हमें दे दी गई है। सबसे पहला सवाल एक नंबर का पूछा जा रहा है, इसमें किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तो आपको दोनों को पहले घनाकार का निकालोगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है इसका 6 × 2 स्क्वायर, और फिर घनाभाकार डिब्बे का भी निकाल लेना है 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, फिर आपको चेक करना है किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो जिसका क्षेत्रफल मान लो घनाकार का है तो घनाकार लिखोगे, घनाभाकार का है तो घनाभाकार, जैसे मान लो घनाभाकार का अधिक आ रहा है तो आप लिखोगे घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और फिर कितना अधिक है वो माइनस कर दोगे, तो पहला सवाल हो जाएगा। और उसके बाद में नीचे इसी में यही पूछ रहा है, दूसरा ये भी पूछ रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो और कितना कम है, तो नीचे दोनों में लगा कि आपको कम वाला दिखा देना, बस इतना ही है ये 5वां। उसके बाद में छठा सवाल देखिए, एक छोटा पौधा घर है संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। देखिए यहाँ पे पौधा घर इस तरह से बनाया गया है, पौधा घर होता है पौधा रखने का, जो जिसको हम गमला बोलते हैं ना, तो वो बेलनाकार भी हो सकता है, घनाभाकार भी हो सकता है, घनाकार जैसा भी आप आकृति दोगे वैसा भी बन सकता है। तो एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों यानी कांच की पट्टियों से बना हुआ है, घर के अंदर बनाया गया है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। ये पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस तरह से मान लो यहाँ पे देखना, इस तरह से पौधा अगर बनाया गया, ये पूरा का पूरा शीशे की पट्टियों से बना हुआ है, चारों तरफ कांच लगा हुआ है, यहाँ पे इसको टेप द्वारा चिपकाया गया है, इन सबको टेप द्वारा चिपका दिया गया।
अब यहां पे आप लिखोगे गंधर्वा काल, पौधा घर की लंबाई बराबर, लंबाई आपको दी है इसमें 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहां पे दी है वो 25 सेंटीमीटर, इस तरह से। उसके बाद भी यहां पे पहला सवाल इसमें जो पूछा जा रहा है वो ध्यान से सुने, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल है, तो शीशा तो यहां भी लगा हुआ है चारों तरफ लगा हुआ है, तो संपूर्ण प्रस्थित क्षेत्रफल। पौधा घर में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का संपूर्ण प्रस्थीय क्षेत्रफल, सूत्र लगा देना आपको, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई 30 गुना 25 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 25 गुना 25 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई 25 गुना 30 2 गुना, इसको गुना करेंगे तो 750 625 उन्हें 750 और इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुना, इनको जोड़ेंगे 7 6 13 7 20 और 1 2125 125 गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा उत्तर 4250 सेंटीमीटर। ये शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले का उत्तर यहाँ है। उसके बाद में सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, तो टेप लगाएंगे 30 के किनारों किनारों पर, जो पूछा की लंबाई है ना इनके किनारों पर टेप लगाएगी थी, तो आपको इसका परिमाप निकाल लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे होगा, पौधा घर में प्रयुक्त टेप की लंबाई, ब्रैकेट में आपको यहाँ पे परिमाप लिख देना है और सूत्र यहाँ पे होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये शायद मैंने सूत्र वहां लिखाया है नहीं लिखाया तो ये घनाभ का परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये भी लिखना बराबर 2 × लंबाई यहाँ पे 30 है प्लस 25 प्लस 25 2 × 80 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी टेप की लंबाई परिमाप, सॉरी यहाँ पे सूत्र 4 होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 लंबाई है, देखो लंबाई 1 2 3 4 4 होते तो 4 लंबाई करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 832 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उस टेप की लंबाई आएगी जो शीशे में प्रयुक्त की गई है काम में ली गई है, उस टेप की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 320 सेंटीमीटर। ये आपका पांचवा सवाल अच्छा सवाल है। उसके बाद में इसी तरह से एक सातवां सवाल है, सातवें सवाल को देखिए समझा देते हैं आप लोग कर लेना। सवाल नंबर 7 देखिए,
शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। गत्ते के जो डिब्बे होते हैं ना, मिठाई जिसमें डाली जाती है, वो दो मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। वो दो प्रकार के डिब्बे मंगाने, बड़े डिब्बे की माप। तो यहाँ पे आप बड़े घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लो। क्या इसमें दिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर। एक नाप तो ये हो गया बड़ा। और छोटे डिब्बे की माप है वो यहाँ पे, छोटे घनाभाकार डिब्बे की माप। ये केवल मैं समझा रहा हूँ, आप लिख लेना, यानी लंबाई लिख दो, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब यहां से सवाल आपसे, सभी प्रकार की अति व्यापकता जिसको हम ओवरलैप्स कहते हैं के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, कुल क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस कर लोगे। गत्ते के लिए जो कागज काम में लिया जाएगा उसमें आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसके बाद 5% एक्स्ट्रा कागज लगेगा उसको पैक करने के लिए, 5% एक्स्ट्रा है। तो टोटल मान लो हमारे पास दोनों का आया, दोनों गत्तों का मिलाकर हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है, मान लो हमारे पास से 1,00,000 क्षेत्रफल आया, ये मान लो है। इसका 5% और लगाना, 5% तो 1,00,000 गुणा 5/100 कर देंगे, ये कट जाएगा 5,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें जुड़ जाएगा जो आपने संपूर्ण पृष्ठ निकाला था दोनों का। तो 5% ये गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये गत्ते का क्षेत्रफल, ये अतिरिक्त गत्ते का, सॉरी अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल। डिब्बे के अलावा जो लगेगा ना उसमें मोड़ने के लिए जो 5% एक्स्ट्रा चाहिए उसमें। उसके बाद में आप लोगों के सामने लागत दे रखी है उसकी। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत। तो यहाँ पे फिर खर्चा दिया है 250, प्रत्येक प्रकार के 250, तो 250 250, ये पहले 250 का क्षेत्रफल निकालोगे आप और फिर 250 का निकालोगे, ये दर निकालोगे। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका निकालोगे, इसका 5% एक्स्ट्रा निकालो और जोड़ दो, इसका निकालोगे फिर इसका 5% एक्स्ट्रा निकाल के जोड़ दो, फिर 250 डिब्बों का क्षेत्रफल। 250 डिब्बों का वे पूछ रहे हैं, लागत पूछ रहे हैं, 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गत्ते की लागत है प्रति 1,000 सेंटीमीटर। तो आपको गुणा 4 कर देना है बट्टा 1,000 कर देना है। जो भी क्षेत्रफल आया, मान लो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आया 50,000 आया, तो 50,000 गुणा 4 बट्टा 1,000 करोगे, गुणा 250 करोगे 250, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के डिब्बे छोटे और बड़े 250 बनवा रहे हैं, तो ये उस 250 डिब्बों का कुल वे आ जाएगा। इसी तरह से इसका निकालेंगे, छोटे वाले का निकालेंगे, छोटे वाले का मान लो हमारे पास 30,000 आया, 5% एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ना है, गुणा वही 4 बट्टा 1,000 और गुणा 250, और इस तरह से दोनों का जो कुल वे आएगा उनको जोड़ देना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं आता है तो इसको कल मैं बताऊँ। धन्यवाद।